फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैंने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था 24 अक्टूबर को, मतलब संडे को, उसका बैनर, मतलब उसका विराट कोहली और बाबर आजम का फ़ोटो एक साथ ड्राइंग किया है। तो चलिए ड्राइंग देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ड्राइंग का जो स्केच है वो मैंने HB पेंसिल से किया है उसका स्केच, और स्केच करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। स्केच करने में करीब करीब आधा घंटा से एक घंटा लगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा है। जल्दी जल्दी हो गया स्केच, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मगर इसका वाटर कलर करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते वाटर कलर कैसे बनते हैं। Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. कप्तान का वाटर कलर हो चुका है, अब देख के बोलना कमेंट पे कि कैसा हुआ वाटर कलर। अभी बैकग्राउंड वाला बाकी है, वो भी करेंगे हम, और वो भी आप लोग को दिखाएंगे। और एक बात बताना था, एक वीडियो मैंने आज क्यों अपलोड किया, क्योंकि मेरा जो पहला वाला वीडियो था वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। रिसेटिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए अपलोड नहीं हुआ है, पर हो गया कल वो अपलोड, और इसीलिए मैं ये वीडियो आज अपलोड किया है। ड्राइंग तो मैंने संडे को ही ख़त्म कर लिया था, सोचा था कि उसी दिन अपलोड करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए फ्रेंड्स सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। बट और एक चीज़, इंडिया तो हार गया मैच, ये बहुत ख़राब लगा मेरे को। मैं सोचा था कि इंडिया जीत जाएगा, जो भी है। तो आगे देखते ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेम तरह का ड्राइंग किया है, उसका भी टाइम लैप्स है मेरे पास, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।